नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और इस बीच चुनाव आयोग से जुड़ी हुई बड़ी खबरें, पंचायत चुनाव को लेकर के जिस तरीके से कयासे लगाए जा रही हैं, हालांकि इन सबके बीच में पंचायत चुनाव को लेकर के कई सारी तस्वीरें भी आई हैं, कुछ तस्वीरें अफवाह फैलाने वाली भी आ रही हैं, जिसमें से एक ये तस्वीर देखिए। दरअसल ये चुनाव से लेकर के एक तस्वीरें काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। ये दो जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, दरअसल ये पंचायत चुनाव में तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, इस बात की जानकारी दी जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने अब तक किसी भी तरीके के तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन बड़ी खबर ये है, और ये आपके लिए बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि चुनाव आयोग ने, राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पर यह कहा है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह तक चुनाव खत्म कर लिया जाएगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, पहले आइए जरा सा सचिव, जो राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव हैं योगेंद्र राम, उन्होंने चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहा, पहले उसको सुनते हैं। पंचायत चुनाव जो है हम लोग अक्टूबर तक उसको समापन के लिए हम लोग उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, और संबंधित सभी जिलों से जो है इस संबंध में कार्यक्रम और विस्तृत जो है उसे मतलब आवश्यक मार्गदर्शन के ही सुझाव जो है सभी जिलों से प्राप्त कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक लेटर वायरल हो रहा है कि चुनाव के तारीखों की घोषणा हो गई है, क्या सच्चाई है? ये तो अभी कैसे अभी घोषणा होगी, अभी घोषणा के लिए अभी समय है, अभी घोषणा बहुत लास्ट में जो है, घोषणा के साथ जो है जब भी घोषणा होगी तो निश्चित रूप से पूरे स्टेट में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा, इसलिए घोषणा अभी नहीं है। कई जिलों से अपना अपना कुछ प्रपोजल जो उन लोगों से सुझाव मांगा गया उसी प्रकार का सुझाव की बात हो रही है। ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग हो पाए, नहीं, वीवीपैट तो पॉलिटिकल पार्टी में होता है, यहाँ पर ईवीएम जो है सिर्फ ईवीएम रहेगा, M2 EVM से चुनाव होना। तो सुना आपने चुनाव को लेकर के जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, और इस बीच में चुनाव जल्द से जल्द कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो सक्रियता दिखा रहा है, बातचीत हो रही है। लेकिन ऐसे में एक और बड़ा सवाल है, जरा सा उस सवाल के बारे में भी जानकारी जरूरी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने, और जो खबरें ये भी आ रही है कि प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं इसमें ईवीएम की समस्याएं हो सकती हैं, यानी कि कमियां हो सकती हैं। हालांकि इसको लेकर के अलग अलग राज्यों से अब ईवीएम मंगाने के लिए बाजाब्ते जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं, किस राज्य से किस जिले को ईवीएम भेजना है, और वहां से जो अधिकारी जाकर के लेकर के आएंगे ईवीएम, पूरी सुरक्षा के साथ ये पूरी तैयारी हो गई है। लेकिन एक बात जो सामने आई वो ये है कि इस बार का जो चुनाव होगा वो ईवीएम के साथ साथ बैलेट पेपर से भी होगा। हालांकि अब लोग ये समझ रहे हैं कि जब प्रदेश में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो होना है उसमें ईवीएम की ज़रूरत है, तो फिर बैलेट पेपर आखिर में क्यों? दरअसल इसको लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है, और खुद बातचीत के दौरान जब हमारे संवाददाता बात कर रहे थे इस दौरान उन्होंने कहा है कि ईवीएम की समस्या हो सकती है, और इसके लिए दो पोस्ट ऐसे हैं, एक सरपंच और एक पंच, इन दोनों पोस्ट के लिए आयोग समझते हुए, यानी कि कमियों को देखते हुए, इन दोनों पोस्ट को बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जा सकता है। इसको लेकर के योगेंद्र राम ने क्या कुछ कहा, एक बार उनको भी सुनिए। आयोग का मंतव्य ये है कि ईवीएम अगर उपलब्ध हो पाएगा तो हम लोग छवों पद पर ईवीएम से चुनाव कराएंगे, लेकिन लग रहा है कि ईवीएम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में ग्राम कचहरी का जो दो पद है, सरपंच और पंच, वह आयोग जो है उसको वैकल्पिक तौर पर बैलेट पेपर के माध्यम से भी चुनाव कराने पर विचार कर रही है। तो आपको बता दूं कि राज्य निर्वाचन आयोग अपने स्तर से पूरी तैयारियां कर रहे हैं, हालांकि कुछ खबरें जो हैं वो अफवाहें भी आ रही हैं, उस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें, और साथ ही साथ खबरों को विश्वसनीयता जो है पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई जो भी खबरें हैं पूरी विश्वसनीयता के साथ हम आप तक लेकर के आते हैं, पूरी जानकारियों को इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद क्योंकि जल्दी के होड़ में हम कोई गलत खबर आप तक नहीं पहुँचाना चाहते हैं, इसलिए पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई जो भी खबरें हैं सबसे पहले डीटीवी भारत आपको लेकर के आएगा, आपके सामने लेकर के आएगा, और वो भी पूरी सटीकता के साथ। इसलिए देर हो जाए तो इस बात का आप तनिक भी परेशानी ना हो, क्योंकि देर से ही सही, लेकिन हम जो देंगे वो सच देंगे, सही देंगे। इसलिए देखते रहिए डीटीवी भारत।